न्यूज लाइव पर देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पुनः लॉकडाउन पर सत्ता पक्ष के तीखे तेवर। शहर में कोरोना संक्रमण की वजह से लगातार बिगड़ती हालत को देखते हुए मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे द्वारा कई बार पुनः लॉकडाउन के संकेत दिए गए, जिसका मनपा के सत्ता पक्ष भाजपा और जनप्रतिनिधियों की ओर से जमकर विरोध किया गया। अब पालक मंत्री नितिन राउत की ओर से इस संदर्भ में प्रशासकीय अधिकारी और उनकी समिति द्वारा इसका फैसला लेने के वक्तव्य किए जाने से सत्ता पक्ष के तेवर तीखे हो गए हैं। सत्ता पक्ष की ओर से जहां पालक मंत्री पर राजनीति का आरोप लगाया गया, वहीं जन जागृति के लिए शुरू किए गए अभियान को भी रद्द करने की घोषणा सत्ता पक्ष के नेता संदीप जाधव ने की। दो दिन के जनता कर्फ्यू के बाद पालक मंत्री द्वारा पुनः लॉकडाउन के संकेत मिलने से उनकी भूमिका जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन करने जैसी है, ऐसा आरोप संदीप जाधव ने लगाया है। मनपा आयुक्त का आकस्मिक दौरा, मूर्तिकारों पर गिरी गांज। मंगलवार को एक और जहां प्रवर्तन विभाग के दस्ते की ओर से अतिक्रमण कार्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई, वहीं मनपा आयुक्त मुंडे ने भी कई इलाकों का आकस्मिक दौरा कर कार्रवाई को अंजाम दिया। केवल फुटपाथ दुकानदार ही नहीं बल्कि मूर्तिकारों द्वारा भी नियमों का उल्लंघन किए जाने को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की, साथ ही जुर्माना भी ठोक दिया। बता दें कि मनपा आयुक्त ने मंगलवार को सीए रोड, गोलीबार चौक, मस्का साथ इतवारी इलाकों में छापेमारी की कार्रवाई की। इसके अलावा चितारोली स्थित मूर्ति बाजार में भी दस्तक देकर जुर्माने की कार्रवाई की। कोरोना संक्रमण के बावजूद बाजारों में भीड़ होने की भनक लगते ही दौरा कर 5 से 10 हजार तक का जुर्माना ठोका गया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।